भारतीय जनता पार्टी के प्रिय एमएलए श्री पिनाकी दास चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष श्री जीवान देवदास जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री हरिशंकर पाल जी, स्टेट सेक्रेटरी श्रीमती नमिता देव वर्मा जी, कल्याणपुर प्रमोद नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव चल रहा है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में आप सबसे त्रिपुरा की खुशहाली के लिए, त्रिपुरा के समग्र विकास के लिए समर्थन मांगा था और पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने विकास के कार्यक्रमों को जिस प्रतिबद्धता के साथ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ हर एक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया, वो आज आप सबके सामने है। भैया बहनों, पहले 35 वर्ष तक कम्युनिस्टों ने और कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोगों ने त्रिपुरा के विकास को बाधित कर दिया था, त्रिपुरा में विकास नहीं होने दिया, त्रिपुरा में विकास की योजनाओं में लूट खसोट की, डकैती डाली, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं लेने दिया, नौजवानों को बेरोजगार रखा, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, किसान बदहाल हुआ, दिल्ली से विकास का जो पैसा आता था और त्रिपुरा की जनता के द्वारा जो टैक्स से पैसा इकट्ठा कराया जाता था, उस पैसे में पहले कम्युनिस्टों ने और फिर कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोगों ने डकैती डालने का काम किया था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार की बुलेट ट्रेन से चलने वाली इस ट्रेन को भी आपने देखा है कि सरकार डबल इंजन की सरकार कैसे कार्य करती है। 3 लाख गरीबों को एक एक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाना, लाखों परिवारों को उज्ज्वला योजना में एलपीजी का कनेक्शन मिल जाना, हर घर नल जीवन जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक
निधि का लाभ हर किसान परिवार को उपलब्ध करवाना और 33% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण की सुविधा दे देना, ये अपने आप में चमत्कार है। चमत्कार ये काम पहले भी हो सकता था लेकिन कम्युनिस्टों ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया क्योंकि विकास उनके एजेंडे में नहीं था। ये लोग तो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, घुसपैठ करवाते थे, यहां की सुरक्षा में सेंध लगवाते थे, गरीबों के अकेले आने वाली योजनाओं में लूटपाट करवाते थे। कम्युनिस्टों ने यही किया है, जहां भी उनको शासन करने का अवसर मिला भावनाओं के साथ खिलवाड़ लगातार करते रहे, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते रहे, समाज को बांटते रहे। और यही कांग्रेस भी करती रही, 55 वर्षों तक देश में शासन किया लेकिन भाइयों बहनों विकास नहीं किया। एक एक नए घोटाले, कभी 2G का घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कोई नया घोटाला, और आज आप देख रहे होंगे डबल इंजन की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की आती है तो विकास भी लाती है, सुरक्षा भी देती है, आपकी आस्था का सम्मान भी करती है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं, आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और भाइयों बहनों आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में काशी विश्वनाथ धाम बन करके तैयार हो गया है, और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़े बैरियर यही लोग थे। ये बैरियर हैं, बैरियर ये विकास नहीं होने देते, आस्था का सम्मान भी नहीं करने देते। ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने तो ये कहा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, ये लोग विकास नहीं करते। इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता और कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं था, जैसे कि अस्तित्व केवल इन्हीं का है। इसीलिए देश की जनता ने सबक सिखाया, आज कांग्रेस को अस्तित्व समाप्त करने के लिए घोषणा कर दिया, कम्युनिस्टों का नामों निशान मिटाने की ओर लेकर के चले गए। और आज इसीलिए फिर हम लोग आए हैं भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर विकास जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, द्वारिका से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक आप चले जाइए, किसी भी राज्य में, पूर्वोत्तर के राज्यों को पहले कांग्रेस ने अपेक्षित छोड़ा हुआ था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की लुक ईस्ट पॉलिसी, हर सप्ताह एक मंत्री पूर्वोत्तर के एक राज्य में कैंप करता है, विकास की योजनाओं की मॉनिटरिंग करता है, यहां की माताओं को, यहां की बहनों को, यहां की बेटियों को, यहां के युवाओं को, यहां के किसानों को, यहां के श्रमिकों को, यहां के व्यापारियों को योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला है यह सुनिश्चित करता है, फिर उसकी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री मोदी जी को देता है। आज इसी का परिणाम है कि पूर्वोत्तर के राज्य में हाईवे बन रहे हैं,
पूर्वोत्तर के हर राज्य में रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है, पूर्वोत्तर के हर राज्य में एयर कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, पूर्वोत्तर के हर राज्य में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, आईएम और आईआईटी का निर्माण हो रहा है, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, गरीबों के लिए नई योजनाएं आ रही है। और इससे ज्यादा संवेदनशीलता और क्या सरकार की हो सकती है? कोरोना कालखंड में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा दुनिया त्रस्त थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा का कार्यकर्ता आपकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा था। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा भी तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार दे रही थी, आज दे भी रही है। लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट, इनका कहीं अता पता था क्या इस दौरान? ये कहीं नहीं थे, क्योंकि इनके एजेंडे में गरीब के लिए संवेदना नहीं है, इनके एजेंडे में विकास नहीं है, इनके एजेंडे में सुरक्षा नहीं है। ये लोग तो केवल अपना विकास चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सबके विश्वास और सबको प्रयास के साथ आगे बढ़ा करके एक नए और विकसित त्रिपुरा के रूप में आप सबके जीवन में व्यापक परिवर्तन करना चाहती है। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की धरती से मैं आपके बीच में आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी। विपक्षी दलों के द्वारा वहां पर शासन किया जा रहा था, विकास की योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिलता था, रोज दंगे होते थे। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलता है, बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होता है, नए निवेश और विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, हाईवे, वाटरवे, रेलवे, एयरवे, एयरपोर्ट्स, इन सब के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हर जनपद में मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्यक्रम विश्व स्तर पर चल रहा है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, विकास और सुरक्षा ये केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और आपने तो प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। मैं यहां पे सुन रहा था भी कि मोदी है तो मुमकिन है। बहनों, मोदी जी ने विकास की योजनाओं को जिस प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ आप सब तक पहुंचाने का कार्य किया है, वह हम सबके सामने परिणाम है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए श्री पिनाकी दास चौधरी को फिर से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच लाया है। पिनाकी दास चौधरी एक लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आया है। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, पिनाकी दास चौधरी ने पिछले 5 वर्ष के अंदर विकास की हर योजना को आपके द्वार तक और आपके गांव तक पहुंचाने का काम किया। कनेक्टिविटी की, गरीबों के लिए आवास की योजनाएं दी, गरीबों के लिए शौचालय उपलब्ध करवाए, गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाने का कार्य किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया,
और हर घर को हर परिवार को मनरेगा में कार्य भी देने का कार्य किया तो साथ साथ फ्री में राशन देने का काम भी किया है। यह आज पिनाकी दास चौधरी आपके एमएलए थे, ईमानदारी के साथ आपके बीच में कार्य करते रहे। अगर कोई कम्युनिस्ट होता आपका राशन हड़प लेता, आपका आवास हड़प लेता, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आपको नहीं मिल पाता। लेकिन आज तो भेदभाव कोई नहीं, सबका साथ सबका विकास का कार्य है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, श्री पिनाकी दास चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। पिनाकी दास चौधरी को आप सब समर्थन करेंगे, सभी लोग समर्थन करेंगे, पिनाकी दास जी करेंगे, सभी लोग आपको समर्थन देने को तैयार है। पिनाकी दास चौधरी को रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिता करके भेजेंगे, रिकॉर्ड वोटों से कांग्रेस और कम्युनिस्ट प्रत्याशी की जमानत जब्त करेंगे, बाकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाएंगे। सभी सहमत हैं? हर मतदाता अपने साथ 10-10 मतदाताओं को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान कराएगा तो पिनाकी दास चौधरी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने में सफल होंगे। और यह असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विकास का एक मॉडल बन जाएगा। मॉडल आप मॉडल बनाना चाहते हैं ना, सहमत हैं? तो फिर पिनाकी दास चौधरी को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर आप विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए, आप सबसे मैं कहूंगा, दोनों हाथ लगा के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।